एसपी हनुमानगढ़ के निर्देशन में हनुमानगढ़ टाउन पुलिस ने नशे के सौदागर को किया है गिरफ्तार। आपको बताना चाहेंगे कि हनुमानगढ़ टाउन पुलिस के द्वारा गश्त के दौरान नशे के तस्कर विकास को कर लिया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 3.700 ग्राम अफीम और 17 किलो पोस्त भी बरामद कर लिया है और एनडीपीएस एक्ट के तहत तस्कर विकास को गिरफ्तार कर पूछताछ जारी है। एसआई रचना बिश्नोई ने मैं टीम के साथ इस शख्स को गिरफ्तार किया है। हनुमानगढ़ टाउन थाना अधिकारी रामचंद्र कस्बा ने दी है पूरी जानकारी। चलिए सुनिए उनका इस पूरे मसले पर क्या कहना है। पुलिस हनुमानगढ़ टाउन की पुलिस द्वारा सुश्री रचना बिश्नोई सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में एक व्यक्ति विकास बाबूलाल निवासी सांसौर से 3 किलो 700 ग्राम अफीम व 17 किलो पोस्त बरामद किया गया है। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, अनुसंधान जारी लिए संबंधित थाने से रिकॉर्ड हासिल किया जा रहा है। अगर इस तस्कर की फ़ोटो को आप देखेंगे, वीडियो को देखेंगे, तो अभी इसकी उम्र कम ही है, पढ़ने लिखने की उम्र है, लेकिन इस प्रकार नशे के तस्करी में यह शामिल हो चुका है। तमाम इस तरह के युवा नशे के अंदर शामिल होते जा रहे हैं और युवा पीढ़ी नशे के गर्त में जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि कई बार इतनी भारी मात्रा में अफीम पकड़ी जाती है, लेकिन अफीम को सप्लाई कहाँ की जानी थी और सप्लायर इसका पीछे से कौन है, कहाँ से यह अफीम लाई गई और नेटवर्क में कौन कौन शामिल है, वहाँ तक पुलिस जो है पहुँचती नहीं है। इसीलिए नशे का जो सौदागर है वह लगातार हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर अफीम लाकर सप्लाई कर रहे हैं। हालांकि पुलिस पकड़ती है और केस भी बनाती है, एनडीपीएस के तहत केस चलता है, लेकिन जांच जो अच्छी तरह से होनी चाहिए और इस नशे के सौदागर को भेजता कौन है, वहाँ तक पुलिस पहुँच नहीं बना पा रही है। इसीलिए इस प्रकार नशे का नेटवर्क हनुमानगढ़ में लगातार जारी है। अब देखने वाली बात यही है कि पुलिस के स्तर से नशा तस्कर को तो पकड़ा है, अफीम कहाँ से लेके आया, किसने वहाँ से भेजा, किसको सप्लाई की जानी थी, यहाँ पर मोटी मछली कौन है, क्या मोटी मछली पीछे कौन थी, उसका पता पुलिस लगा पाएगी या नहीं, ये तमाम बातें देखने वाली होगी। कलम न्यूज़ के लिए गुरुदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।